अब हमने जस्ट लास्ट टॉपिक किया था विच आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स वीक एसिड्स. अभी वीक एसिड्स और ये स्ट्रॉन्ग मतलब बेसिस ये हम लोग कैसे करते हैं, मतलब कोई चीज स्ट्रांग है या वीक है, तो इसको मेजर करने के लिए आप क्या करते हो, एक स्केल यूज करते हो जिसको आप बोलते हो पीएच स्केल. तो हेडिंग डालना यहाँ पे, लिखो पीएच स्केल. ओके, नाउ व्हाट इज दिस पीएच स्केल, जरा समझने का ट्राई करो. मैं आपके टेक्सटबुक के हिसाब से नहीं सिखा रहा हूं, पहले चीजें पीएच क्या है समझने का ट्राई करो. पहला पीएच का मतलब, पीएच में पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस. पोटेंस का मतलब क्या है, ये एक जर्मन वर्ड है विच मींस स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ, यहां पे लिख सकते हो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन है इसका मीनिंग, और यू कैन राइट स्ट्रेंथ ऑफ एच प्लस आयंस. ये पीएच स्केल रेंज कहां से कहां करता है, तो ये ध्यान देना, ये जो स्केल है ये रेंज करता है, इट स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड इट गोज अप टिल 14. ओके, ये क्या है पीएच स्केल. ओके, जस्ट पे अटेंशन, जब आप जीरो से 14 की ओर जाओगे, ठीक है, क्या बोला मैंने, जब आप जीरो से 14 की ओर जाओगे क्या इंक्रीज होएगा, बेस का स्ट्रेंथ क्या होएगा, इंक्रीज होगा. और जब आप 14 से जीरो जाओगे, 14 से जीरो जाओगे तो क्या होएगा, एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा. ओके, इसका मतलब क्या है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स इनका यहां पे ये जो वैल्यू रहेगा ये किसके लिए रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए रहेगा. एंड सबसे राइट मोस्ट जो वैल्यू है ये क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेसिस. अब बहुत जन जब सोचते हैं, अरे यहां पे हाइड्रोजन का स्ट्रेंथ तो जीरो है लेकिन एसिड क्या है, वीक एसिड है, तो ऐसे कैसे हो रहा है, मतलब जरा ध्यान दो ना, पीएच का मतलब क्या है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पे तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन तो जीरो है, जीरो रहने के बावजूद भी ये क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, तो ऐसे कैसे. सबसे पहले चीज, ये पीएच का जो फॉर्मूला है ना ये क्या है, इट इज माइनस लॉग टू द बेस 10 एच प्लस. मेन ये लॉग का कुछ अभी मतलब समझो मत, मेन क्या ये फॉर्मूला में एक नेगेटिव साइन है. नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, जिसका वैल्यू सबसे कम रहेगा वो ज्यादा रहेगा, क्लियर है, ये नेगेटिव साइन के वजह से ऐसे होता है. बेसिक आइडिया रखना, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ये लिख सकते हो, इसके नीचे आप ये दो पॉइंट लिखना, लेस वैल्यू मींस मोर स्ट्रेंथ, ठीक है, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव पार्ट ओवर हियर, और एल्स यू कैन राइट मोर वैल्यू मींस लेस स्ट्रेंथ. बहुत बेसिक है, पहले ये क्लियर कर लो, डाउट है तो पूछना, मैं क्लियर आउट कर लेता. तो इसका मतलब बीच का जो वैल्यू रहेगा, जीरो और 14 में बीच में कौन आएगा, इसका पीएच वैल्यू क्या रहेगा, 7. जिसका पीएच वैल्यू 7 है वो क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा. न्यूट्रल का मतलब क्या है, ये ना बेस जैसे एक्ट करेगा ना एसिड जैसे एक्ट करेगा, इट विल बी न्यूट्रल. ये तीन चीजें जस्ट लिख के रखना, फिर मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखा के देता हूं. सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो यहां पे, रेंज ऑफ एच प्लस आयन इज फ्रॉम, यहां पे लिख सकते हो 1 × 10⁻⁰. इसका यूनिट क्या रहेगा, इट विल बी मोल पर लीटर. हम लोग करेंगे आगे, टेंशन मत लेना, ये सब यूनिट्स, 1 × 10⁻⁰. यहां पे आप क्या लिखोगे, -14 लिखोगे, एमओ एल लीटर.
कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है एमओएल पर लीटर, या अभी आगे करने वाले। ओके तो यहां पे आप लिख सकते हो पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस, ब्रैकेट में डाल सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। इसके बाद आप लिख सकते हो ये किधर से किधर एक्सटेंड करता है, तो पीएच स्केल एक्सटेंड्स फ्रॉम 0 to 14। अब एक एक जो पीएच का वैल्यू है ये क्या क्या बताता है। तो अगर सपोज पीएच इज लेस देन 7, मतलब 7 से कम रहेगा, तो ये क्या रहेगा, सॉल्यूशन इज एसिडिक। सपोज योर पीएच इज मोर देन 7, सो इट इज व्हाट, बेसिक। लेस देन 7 का मतलब क्या है, फ्रॉम 0 to 7। मोर देन 7 का मतलब क्या है, 7 से लेके 14। पीएच ऐसा लिखो, इफ पीएच लिखना, इफ पीएच इज 7 सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। ठीक है, ना एसिड रहेगा ना ये क्या रहेगा, बेस रहेगा। अब यहां पे जस्ट फॉर एग्जाम्पल में हम लोग कुछ यहाँ पे ओके तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट इज गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहाँ पे रहता है प्रेजेंट, स्टमक में प्रेजेंट रहता है। किसका बना हुआ है, HCl एसिड का बना हुआ है। ओके इसका जो पीएच है, दिस इज हाउ मच, इट इज इक्वल टू 1.0, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। नेक्स्ट है विनेगर। अब विनेगर क्या है, या आप किसमें यूज करते हो, मोस्टली चाइनीज फूड्स में, या फिर सार टेस्ट लाने में, फूड में तब यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या रहता है, 4% एसिटिक एसिड, और यू कैन राइट CH3COH प्रेजेंट रहता है इसमें। इसका जो पीएच है, सो इसका पीएच आप लिख सकते हो इट इज 3.0, थोड़ा वीकली एसिडिक है। इसके बाद नेक्स्ट इज यूरिन। अब यूरिन ये स्लाइटली क्या है, एसिडिक इसमें रहता है, तो इसका जो पीएच है 6.0। उसके बाद नेक्स्ट इज ब्लड। ब्लड का जो पीएच है इट इज बिटवीन द रेंज ऑफ 7.4 to 7.48। इसके बाद नेक्स्ट इज लाइम वाटर। लाइम वाटर का जो फॉर्मूला है, यू कैन राइट इट एज CaO। ठीक है, तो लाइम वाटर इसका जो पीएच रहेगा, इसका पीएच विल बी 11.0। ठीक है, और मेरे हिसाब से चाहिए तो, ठीक है मेरे हिसाब से एक ये चाहिए तो लिख सकते हो, छोड़ो इतना ही लिखो, मेरे हिसाब से लेमन जूस चाहिए तो एक लिख लो, लेमन जूस। लेमन जूस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, तो ये जो एसिड है इसका नाम है सिट्रिक एसिड। लेमन जूस का वैल्यू ऑलमोस्ट कितना ले सकते हो, इट विल बी ऑलमोस्ट 2.2 से 2.5 है, तो इधर 2.5 चाहिए तो लिख सकते हो। ये सब मतलब बेसिक जो है, यहाँ पे लिखना कॉन्सेंट्रेशन। ओके कॉन्सेंट्रेशन समझने के पहले हमें ये मालूम रहना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन किसका मेजर करता है, स्ट्रेंथ, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ मेजर करने हेल्प करता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ क्या है, ये आइडेंटिफाई करने में हमें क्या करता है, हेल्प। अब इसमें डीप में जाने के पहले
सॉल्यूशन का मेन दो कंपोनेंट्स क्या है, पता रहे क्या? सॉल्यूशन का मेन दो कंपोनेंट, सॉल्यूशन किसका बना हुआ रहता है, दो कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वेरी गुड, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का बना हुआ है। सॉल्वेंट क्या रहता है, जिसका क्वांटिटी क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ठीक है, हायर क्वांटिटी। सॉल्यूट क्या रहता है, जिसका क्वांटिटी क्या रहता है, लेस। ओके, ध्यान देना। अब सपोज आप क्या करें, बहुत सिंपल एग्जांपल आपको कॉन्सेंट्रेशन का देता हूं। सपोज आप क्या कर रहे हो, ये आपके पास एक बीकर है जिसमें आपने क्या किया, आपके पास है 1 लीटर ऑफ वाटर है। सेम वे सेम एक और एक जार है, आप क्या कर रहे हो, इसके अंदर सेम 1 लीटर ऑफ वाटर। अब यहां पे आप क्या कर रहे हो, 2 to 3 लेमन्स क्या कर रहे हो, स्क्वीज कर रहे हो, एंड इसके अंदर आप 10 to 20 लेमन्स क्या कर रहे हो, स्क्वीज कर रहे हो। अब इतना ज्यादा कोई कर तो नहीं रहा है, लेकिन ठीक, चलो अब ध्यान देना। यहां पे वाटर किसके साथ एक्ट करेगा, तो वाटर एक्ट करेगा हमारा सॉल्वेंट, क्योंकि ऑफकोर्स उसका क्वांटिटी ज्यादा है। यहाँ पे भी ऑफकोर्स वाटर किसके साथ एक्ट करेगा, एज आवर सॉल्वेंट। यहाँ पे ये जो लेमन जूस है, जो सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, ये हमारा सोल्यूट जैसा एक्ट करेगा। यहाँ पे ये भी हमारा सोल्यूट जैसे एक्ट करेगा। अब बताओ, यहाँ पे 2 to 3 लेमन स्क्वीज कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पे सार टेस्ट आएगा क्या, ये 1 लीटर के पानी में? आपके हिसाब से ज्यादा नहीं रहेगा, रहेगा लेकिन ज्यादा नहीं रहेगा। ज्यादा किसमें रहेगा, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, बीकर में रहेगा? आपके हिसाब से सेकंड बीकर में, ठीक है। सेकंड बीकर में आप बहुत ज्यादा सोल्यूट को क्या कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो। इसके वजह से यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले चीज तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेकेंड बीकर का जो कॉन्सेंट्रेशन है, इट इज वेरी हाई। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें सोल्यूट का क्वांटिटी इज मोर, हियर द कॉन्सेंट्रेशन इज लेस। व्हाई इज इट लेस, बिकॉज द सोल्यूट का क्वांटिटी इज, यहां तक लिख लेना, लिखना यहां पे कॉन्सेंट्रेशन को मेजर किया जाता है मोलारिटी से। मोलारिटी का जो यूनिट रहेगा, इसको आप लिखते हो मोलार, इसका यूनिट है। इसको आप और एक किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, पहले चीज फॉर्मूला लिखते हैं, फिर वो पार्ट समझाता हूं। मोलारिटी का फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको स्पेसिफिकली, वॉल्यूम किसमें रखना है, लीटर में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स किसमें मेजर किया जाता है, MOL में। मोलारिटी का यूनिट क्या रहेगा, इट इज MOL डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, लीटर। जो हमने देखो पीएच के स्केल के यूनिट्स लिखे थे, वही सेम यूनिट यहाँ पे यूज किया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ सम्स करेंगे, तो ध्यान देना कैसे मैं कर रहा हूं, ध्यान दो। फर्स्ट हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप चाहे तो ये डेटा लिख के रखो, NaCl दिया है आपको। अब इसका हमें क्या बनाना है, 2 मोलार सॉल्यूशन बनाना है। ध्यान देना, मैं एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूं, आप ये स्टेप्स फॉलो करो। तो फर्स्ट इज स्टेप 1, आपको यहां पे दिया है कितना, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl दिया है। ओके, फर्स्ट इज स्टेप 1। अब स्टेप 1 आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहां पे द फर्स्ट थिंग इज यू विल कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास, NaCl का। सबसे पहले NaCl में there is 1 sodium and there is 1 chlorine,
एक सोडियम का मॉलिकुलर वेट फोर्थ चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो एक सोडियम का मॉलिकुलर वेट इज 23। एक क्लोरीन, इसका मॉलिकुलर वेट कितना रहेगा? 35.5। जब दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा? 58.5। इसका यूनिट क्या रहेगा? आप चाहे तो लिख सकते हो ग्राम पर MOL, या फिर आप इसको एक और एक लिख सकते हो और U। U क्या इंडिकेट करता है? आप चाहे तो लिख सकते हो एटॉमिक मास यूनिट। नेक्स्ट इज स्टेप टू। स्टेप टू क्या है? हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? मास इन ग्राम्स अपॉन क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास आएगा। मास इन ग्राम्स आपको क्वेश्चन में कितना दिया है? इट इज गिवन एज 58.5 ग्राम। डिवाइड किससे करोगे आप? सेम 58.5 ग्राम पर MOL से डिवाइड करोगे। ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल, ग्राम और ये ग्राम कैंसिल, आपका फाइनल आंसर आएगा 1 मोल। ये क्या हो गया? हमारा स्टेप टू हो गया। स्टेप थ्री। अब स्टेप थ्री क्या है? स्टेप थ्री इज मोलारिटी का फॉर्मूला यूज करो। तो मोलारिटी का फॉर्मूला आपने अभी लिखा था। सो मोलारिटी इक्वल टू क्या रहता है? एम, ये इक्वल टू रहेगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या रहेगा? इट विल बी वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम किस में रहता है? लीटर में रहता है। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? मोलारिटी और सॉल्यूशन के बदले यहां पे क्या दिया है? 2m इसका वैल्यू दिया है। नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किया, कितना आ रहा है? 1 मोल आ रहा है। लेकिन वॉल्यूम मुझे कितना है ये पता नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, वॉल्यूम को दूसरे साइड लेके जाता हूं। ये इक्वल टू क्या रहेगा? 1/2। 1/2 जब डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.5 MOL। सॉरी मेरा गलती हुआ, वॉल्यूम आप किस में मेजर करते हो? लीटर में। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.5 लीटर। वन सेकेंड, आई विल गिव यू वन क्वेश्चन, जिनको नहीं आता है बोलो, जरा ध्यान दे सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। सो ओवर हियर देयर इज 2 हाइड्रोजन, देयर इज 1 सल्फर एंड देयर इज 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट। 1 हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का वेट इज 1, सल्फर का वेट इज 32, ऑक्सीजन का वेट इज 16। 2 ones are 2 plus 32 plus 64, इसका वेट कितना आएगा? 98 ग्राम पर MOL। चलो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। आपको मास इन ग्राम्स कितना दिया है? 196। मॉलिकुलर मास कितना आएगा? 98। ना ध्यान देना, ओके, जब 98 को 196 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 2 मोल्स। अब नेक्स्ट, यहां पे कितना मोलार दिया है? 3 मोलार दिया है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 2 मोल्स। आपको क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम को इधर लेके जाओ, 3 को नीचे लेके आएगा तो ये डिवाइड होएगा। 2/3 का जो वैल्यू रहेगा 0.66 लीटर रहेगा। स्टेप वन क्या है? हमें मॉलिकुलर मास निकालना। किसका? NaOH का। तो हियर देयर इज 1 सोडियम, देयर इज 1 ऑक्सीजन एंड देयर इज 1 हाइड्रोजन। एक सोडियम का वेट इज 23, एक ऑक्सीजन का वेट इज 16, एक हाइड्रोजन का वेट इज 1। ऐड करोगे तो कितना आएगा? 40 ग्राम पर MOL। नाउ वी विल यूज द सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला में आपको क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल्स दिया है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स के बदले यू विल राइट 2।
मास इन ग्राम्स कितना है मुझे पता नहीं, तो मैं क्या करता हूँ इसको मास इन ग्राम्स वैसे का वैसे लिखता हूँ। मॉलिकुलर मास कितना है, तो मॉलिकुलर मास इज 40, तो 2 ऑफ कोर्स 40 का मल्टीप्लाई होगा, तो मास इन ग्राम्स 2 इंटू 40 होएगा 80 ग्राम्स। अब नेक्स्ट मोलारिटी फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स आपको कितना दिया है, 2 मोल्स दिया है। वॉल्यूम आपको क्या दिया है, तो वॉल्यूम यहां पे आपको दिया है इट इज 5 लीटर। 2 को जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आएगा 0.4। मोलारिटी का यूनिट इज ये, या फिर आप इसको ऐसे ले सकते हो 0.4 mol पर लीटर। सबसे फर्स्ट हेडिंग डालना रिएक्शंस, लिखो यहां पे। ओके, अब रिएक्शंस में सबसे फर्स्ट जो आता है यहां पे लिखना न्यूट्रलाइजेशन। ओके, अब न्यूट्रलाइजेशन है क्या, तो यहां पे सबसे पहले लिखना एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो यहां पे फॉर्म होता है सॉल्ट एंड फॉर्म होता है वाटर। सबसे पहले चीज ये इंपॉर्टेंट है, एक एग्जांपल करते हैं। एसिड, तो एसिड कौन है, एक HCl, दूसरा जो एसिड है दैट इज NaOH। तो यहां पे फॉर्म होएगा सबसे पहले H+, यहां पे फॉर्म होएगा Cl-, यहां पे फॉर्म होना चाहिए Na+, यहां पे फॉर्म होएगा OH-। अब क्या होएगा, Cl- Na+ के साथ रिएक्ट करेगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा, H+ OH- के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहां पे फॉर्म होएगा सबसे पहले NaCl फॉर्म होएगा, नेक्स्ट H और OH क्या फॉर्म करेगा, वाटर। तो ये किसके साथ काम करता है, सॉल्ट, ये किसके साथ काम करेगा, वाटर के जैसा काम करेगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे और दिया है, यहाँ पे दिया है HNO3। आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे ये बेस कौन है, इट गिव्स राइज टू KNO3+H2O। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे दिया है, ये आइडेंटिफाई करना कौन सा एसिड है यहाँ पे, इधर दिया है NH4OH, यहाँ पे फॉर्म होता है NH4 twice SO4। यहाँ पे ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना। ध्यान देना, पहले ध्यान दो कैसे सॉल्व करते हैं, मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। देखो यहां पे क्लियरली दिख रहा है ये क्या रहेगा, H+ रहेगा, यहां पे आपको दिख रहा है NO3- है, यहां पे आपको दिख रहा है K+ है, इधर आपको दिख रहा है NO3- है, यहां पे H2O ऑफकोर्स क्या रहेगा, H+ रहेगा और OH- रहेगा। यहां पे क्या है, एक H+ है, इधर भी H+ है, यहां पे NO3 है, इधर भी NO3 है, तो बच कौन रहा है, एक K+ बच रहा है, एक OH- बच रहा है, तो यहां पे क्या आएगा, KOH। नेक्स्ट, आपको पता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पे ऑफकोर्स सॉल्ट बनेगा एंड दूसरा क्या रहेगा, वाटर। NH4 2 है, इसका मतलब क्या रहेगा, ऑफकोर्स यहां पे एक आयन कौन है, अमोनियम है, दूसरा आयन कौन है, SO4 है, तो आप 2- लिख सकते हो। H2O जो है ये H+ रहेगा और एक OH- रहेगा। चलो यहां पे क्या है, NH4 है, यहां पे कौन रहेगा, OH-, ये हो गया टिक मार्क।
कितना एनएच फोर है यहाँ पे, दो। अब इधर इसको टिक मार्क करते, यहाँ पे एक एच प्लस है, यहाँ पे क्या है एसओ फोर टू माइनस है, तो ऑफकोर्स कौन बच रहा है, ये दो कंपाउंड बच रहे, तो यहाँ पे क्या आएगा एच, यहाँ पे क्या आएगा एसओ फोर। हाइड्रोजन का चार्ज कितना है, सिर्फ वन पॉजिटिव चार्ज है, एसओ फोर का चार्ज कितना है टू माइनस है, क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, एसओ फोर वन से मल्टीप्लाई होएगा, हाइड्रोजन टू से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा एच टू एसओ फोर। किसी को भी डाउट है पहले पूछ लेना, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। यहाँ पे लिखना जस्ट वन सेकेंड, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड। ओके, तो जनरली क्या फॉर्म होता है ध्यान देना, मेटल्स जब कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पे सबसे पहले फॉर्म होएगा सॉल्ट फॉर्म होएगा, दूसरा हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन गैस जो है इसका स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि ये इनफ्लेमेबल है। इनफ्लेमेबल का मतलब क्या है, अगर सपोज आप एक जला हुआ मैच स्टिक इसके पास लेके जाओगे तो फ्लेम कैच करेगा, इनफ्लेमेबल है ये गैस। अब कुछ एग्जांपल्स, एग्जांपल्स क्या क्या ले सकते हो आप, जैसे कि आप Zn ले सकते हो, Zn इन HCl, तो ये किसमें डिसोशिएट होएगा H प्लस और Cl माइनस में डिसोशिएट होएगा। जिंक आपको पता है ये कैसे टाइप का आयन बनाएगा, Zn टू प्लस आयन बनाएगा, तो ऑफकोर्स जिंक किसके साथ मिक्स होएगा क्लोरीन के साथ, यहां पे फॉर्म होएगा ZnCl एंड इधर रहेगा H। लेकिन हाइड्रोजन क्या है गैस है, गैसेस क्या रहते हैं डाई एटॉमिक, इसीलिए यहां पे क्या आएगा H2 आएगा। जिंक, जिंक का वैलेंसी कितना, ऑक्सीडेशन स्टेट इज टू, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज वन, क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा ZnCl2 बन जाएगा। आई होप ये पार्ट क्लियर हो, आप चाहे तो एक एग्जांपल ट्राई कर सकते हो, Mg plus HCl ट्राई करना, डाउट है तो पूछ सकते हो। यहां पे क्या फॉर्म होएगा Mg2+ का आयन, इधर रहेगा H+, यहां पे रहेगा Cl-, ऑफ कोर्स इसको इसको अटैक होएगा, यहाँ पे Mg Cl आएगा, Mg का वैलेंसी 2, क्लोरीन का वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो Mg Cl2 फॉर्म होएगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होएगा रिलीज। सपोज यहाँ पे मैग्नीज था एंड लेट से H2SO4 था, तो मैग्नीशियम ऑफ कोर्स Mg2+ फॉर्म करेगा, यहाँ पे क्या रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या रहेगा SO4 2 माइनस, ऑफ कोर्स Mg2+ इसको अटैक करेगा, यहाँ पे फॉर्म होएगा Mg SO4, ये भी 2, ये भी 2, 2 और 2 कैंसिल आउट होके 1 is to 1 होएगा ना, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो वही सेम आएगा, और कौन सा गैस रिलीज होएगा H2 गैस रिलीज होएगा। नेक्स्ट कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड, कॉपर आपको पता है Cu2+ रहता है, ये H+ और NO3- में क्या होएगा डिवाइड, कॉपर इसको अटैक करेगा, यहाँ पे फॉर्म होएगा CuNO3, कॉपर का चार्जेस 2, NO3 का चार्जेस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होएगा CuNO3 ट्वाइस होगा, ऑफ कोर्स कौन सा गैस फॉर्म होएगा H2 गैस। कोई भी डाउट है पूछ सकते हो।